नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार और जंक फूड आदि का सेवन करने से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। एसिडिटी की वजह से आपके पेट में दर्द, सूजन, उल्टी, गले में भोजन फंसने जैसी समस्याओं का एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। अगर आप लंबे समय से एसिडिटी की समस्या के शिकार हैं, आगे चलकर ये गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। पेट में भोजन सही से ना पच पाने की कंडीशन में ही आपको एसिडिटी या पेट में गैस बनने की समस्या होती है। एसिडिटी होने पर आपको खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या एसिडिटी होने पर दूध पीना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं एसिडिटी होने पर दूध पीना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें, एसिडिटी की समस्या में खान पान खराब होने पर आपको गंभीर परेशानियों का खतरा रहता है। अनहेल्दी डाइट और असंतुलित लाइफस्टाइल की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि एसिडिटी की समस्या में ऐसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए जो पचने में ज्यादा समय लेती हैं। इस समस्या में हाई फाइबर फूड्स का भी सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। एसिडिटी में दूध पी सकते हैं, लेकिन इस परेशानी में गर्म या गुनगुने दूध की तुलना में ठंडा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल दूध में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है और इसका सेवन करने से पेट का पीएच बैलेंस ठीक रहता है और एसिडिक रिफ्लक्स से छुटकारा दिलाने में मदद मिलती है। एसिडिटी में ठंडा दूध पी सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की चीज मिक्स ना करें। इसके अलावा ये भी बता दें कि अगर आपको एसिडिटी हो तो आपको अपने खाने में शाकाहारी भोजन, हल्के अखरोट और अलसी के बीज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो आपकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा उबले हुए सब्जियों का सेवन और ज्यादा पानी पीने से भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या लंबे समय तक बनी रहने पर आपको डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।